किससे शुरू करूं? इनसे करता हूं, जिनको देखकर इंडिया के बिगेस्ट एवर डायरेक्टर ऑस्कर विनर सत्यजीत रे जी ने कहा कि ये इंडियन स्क्रीन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। ये है वो जया प्रदा। इनकी खूबसूरती में ही इतना संगीत है कि इनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम ही था सरगम, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी हर अदा पे होता है दिल फिदा, जया प्रदा। और अब इनकी बारी, जो अकेली थी सब पर भारी, मित्र हो या शत्रु, कोई इनकी ब्यूटी और टैलेंट से अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाया। 1980 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में आप आशा, 1982 की सबसे बड़ी फिल्म सनम तेरी कसम में निशा हो गई, आशा निशा, सो मच ऑफ शाशा, इसीलिए आपके नाम का इतना शोशा है। आज भी कुछ लोग वक्त को सलाम करते हैं इसीलिए टॉप पे पहुंचते हैं, ये अपनी काबिलियत की वजह से टॉप पर पहुंची थी इसीलिए वक्त खुद इन्हें सलाम करता है। The really really sizzling woman of substance, Reena Roy. रीना जी, जया जी, आप दोनों पहली बार आइडल पे एक साथ आई हैं। इट्स सच एन ऑनर फॉर अस। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सुर में गा रहे हैं, आप सब लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है। एक ऐसे अहम मंच है मेरे लिए, क्योंकि मैं आज मैं अकेली नहीं हूँ, मैं हमारी रीना जी के साथ हूँ। आई फील सो प्राउड। वैसे ऐसे मैंने सुना है विश्वस्त सूत्रों से कि दो सुपरस्टार एक्ट्रेसेस कभी दोस्त नहीं होती, तो इसमें कितनी सच्चाई है मैम? दो एक्ट्रेसेस हमेशा दोस्त हो सकती हैं, दो की जगह 10 भी हो सकती हैं, पर तुम जैसे जो मर्द होते ना चिंगारी लगाने वाले, उसी में बात गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल सही, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जया जी और रीना जी के लिए। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, चिराग कोतवाल। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है।
संग प्रीत लगाई सजना बताऊं, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आपकी आवाज़, आपका लुक बिल्कुल मैच करता है। थैंक यू मैम। आप बहुत बड़ी बात करी, राजकुमार करके एक बहुत बड़े एक्टर थे हमारे इंडस्ट्री के। यस मैम। ही वाज वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कम बोलते थे पर बहुत सही बोलते थे, क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे आप उनका बचपना याद दिला रहे हो। इस बात के लिए तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। I'm not afraid.
बहुत अच्छा गाया इसने, दोनों गाने बहुत अच्छी तरह गाए और दिल से गाए, मतलब इतनी छोटी सी चिड़िया जैसी जान और इतना खतरनाक गाना, दोनों गाने इतने दिल से गाए इसने कि मज़ा आ गया। बिल्कुल मुझे लगा कि मैं वो कश्मीर की वादियों में चली गई और वहाँ जयम प्रकाश, जीतू जी और जितने दूसरे कलाकार थे वो सब सामने बैठे हैं, वो स्टेज शो है, मैं वहाँ गाना गा रही हूँ, ऐसा मैं तो पहुंच गई थी सीधा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। गोरी है कलाई में अमित जी को भी मैं बहुत याद कर रही हूँ आज, क्योंकि अमित जी कॉमेडी करने में मास्टर है। एब्सोल्युटली। और उनके साथ एक फ्रेम में शेयर करना तो मतलब इसके टास्क, लेकिन अमित जी के साथ ये भी सीखना होगा कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी गोरी है कलाया शूटिंग के वक्त टाइम पे आके पहला जो उनके जो मोमेंट्स है वो सीखे, मतलब हीरोइन से ज़्यादा वो मतलब मेहनत करते हैं, उनको ये देख के हम सबको सीखना चाहिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। विदिता, आज शीशा हो या दिल हो ऐसा गाना गाकर तुमने साबित कर दिया कि कितनी पोटेंशियल है तुम में, और वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज अब हम फिनाले के करीब आ रहे हैं और तुम डेफिनेटली डिजर्व करती हो कि तुम टॉप 5 में जो हमारे फाइनलिस्ट होंगे उसमें तुम
रहो। थैंक यू सो मच। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, रीना जी, जया जी को, जो लगता है हद से ज्यादा डिलिशियस, हद से ज्यादा यम, कूल डूड, सेक्सी शिवम। कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराब, किसी के दिल में मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में हवा पे खुशबू का, बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं हम का नशा, नशा शराब में होता तो मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कहते हैं मैं शराबी हूँ, थोड़ी आंखों से पिला तेरे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला तेरे सजनी दीवानी, तुझे मैं तुझे सांसों में बसा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलख मंगा दूंगा सजनी, तुझे नौ लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी। सावन में जी डरे रिमझिम तन पे पानी गिरे, अब के सावन में जी डरे रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे
बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. और शराबी का जो गाना है किशोर दा का, आपने याद दिला दिया वापस. एक गाना जो है कितने भी साल हो जाए लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी बना है. बेशक. आपने उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लेके गए हैं जहाँ पे हम लोग पहले जाया करते थे. तो आज किशोर दा को याद दिला दिया और बप्पी दा को याद दिला दिया. आपके लिए जो है आपके आवाज़ में वो मेलोडी है और आवाज़ में वो एक्सप्रेशन है. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. शिवम, मुझे आपका जो ये लुक है आज का बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. यू आर लुकिंग रॉकिंग गाय मैन. क्या बात है. पहले आप जो आए थे तो बहुत वो स्वेटर और वो और मतलब हीरोइन लोगों से बात करना शर्माना और आई एम टेलिंग यू अनबिलीवेबल. अब मैं आपसे कसम लेना चाहती हूँ अब सारी हीरोइन को ये नहीं मतलब लाला चुपा नहीं करना आप. समझ गए. अभी देखिए जया जी यहाँ बैठी हुई है. मैं मान जाऊँ अगर आप इनको डांस करवाओ. ओहो क्या बात है. मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने. मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने. माथे पे झूमरी कानों में झुमका पाँव में पायल लिया हाथों में हो. क्या बात है जया जी. एक बार जया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. मैम इनक्रेडिबल. जया ये रूप आपका देखकर हमारी तो होश हवास खो गई भाई. अब तो मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना ही पड़ेगा. थैंक यू. जो 900,000 ना भी दे सके पर चाहने वाला सच्चा इंसान. You were dancing so gracefully. I really loved it. Love you. Thank you. Beautiful. Thank you. Jaya ji ke liye zordar taaliyan. To chaliye bulate hain agli contestant ko. Bhagwan bhi jinse kehte hain Sonakshi thoda kam kar. Sonakshi kar. तेरी दिलदारी दिल देकर मैं कर बैठी
बात है सुना सोनाक्षी, किस लेवल की सिंगर हो तुम यार। एवरी टाइम मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अब फिनाले नजदीक आ रहा है, फिनाले के लिए इसे आगे जाना चाहिए, इसे बहुत दुआ मिलनी चाहिए, लेकिन सोनाक्षी एवरी टाइम मजबूर कर देती है ये बात बोलने के लिए कि उसके सुर इतने पक्के हैं, उसकी टोनल क्वालिटी इतनी पुख्ता है कि वो मेरे लिए फिनाले जीत चुकी है। हिस्टोरिक। सबसे पहले मैं कहूंगी ये बच्ची ने इतना अच्छा गाया है कि ये अगर उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैं सनम तेरी कसम और ये सब मेरी जो फिल्में थी, अगर वो मेरे लिए गाती तो आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि इसके अल्फाज और इसकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास है कि वो कुछ कहना चाहती है और दिल से कहना चाहती है। आवाज़ की बात करी, बॉडी लैंग्वेज भले थोड़ी लेजी होती थी पर अभी वो नहीं है, अभी वो चुस्त हो गई है। मैं भी जब ही आई थी शुरू शुरू फिल्मों में तो मैं बहुत बदमाशी करती थी, तो मैं सीरियस नहीं होती थी काम में, हर लाइन बोलने के बाद मैं हंस देती थी,
तो मेरा इतना बुरा नाम हो गया था कि इसको कोई साइन मत करो, ये तो पागल है, सिर्फ हंसती रहती है. तो एक साल के लिए आई डेंट वर्क, एंड आफ्टर दैट आई वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ, कम हंसना, काम पे ध्यान देना. उसके बाद मैंने 100 के ऊपर फिल्में की और सब लोगों को पसंद भी आई. क्या बात. और एक बात मैं कहती हूँ, जया जी ने ये जो गाना किया डफली वाले, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने इनकी फिल्म देखी और थिएटर में जाके देखी, बिकॉज कहा गया था कि बहुत अच्छी डांसर. और जेन्युइनली आई वेंट इन द थिएटर इन डिस्गाइज विद माय फैमिली और मैंने पैसे फेंके थे. मैंने खुद पैसे फेंके थे स्क्रीन पे, बिकॉज आई लव्ड हर वर्क. शी डांस सो वेल, द एनर्जी लेवल, और इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी डांसर कि मैं आज पहली दफा इनसे कन्फेस कर रही हूँ कि आई रियली लाइक्ड हर वेरी मच. क्या बात है. लेकिन जया जी डफली वाले में क्या लगी हैं? ओहो हो, टू मच. और जारे जा ओ हर जाए में रीना जी क्या लगी हैं? इनक्रेडिबल. तो क्यों ना इस स्टेज पर जया जी रीना जी के गाने पे डांस करें, और रीना जी जया जी के गाने पे डांस करें. और देखिए दोनों तैयार हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं. रीना जी, मेरे दिल में एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता था. हाल ही में हमारे शो पर सुभाष घई सर आए थे और उन्होंने एक बात शेयर की थी हमारे साथ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. जब ये मुझे कालीचरण फिल्म मिली तो कालीचरण ने लिखी थी शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, तो जब हीरोइन की बात चली तो मैंने प्रोड्यूसर को और रीना राय को रिकमेंड किया कि वो अच्छा करेगी रोल. ये तो शत्रु जी कह रहे कि हीरोइन रीना रॉय क्यों, मैंने बोला रीना रॉय यूं, जब आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे हाँ रीना राय यूं. कालीचरण में शत्रु जी को रीना राय बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बेचारे काम कर रहे थे मजबूरी से मेरे साथ भी. और फिर जब पिक्चर हिट हुई तो इन उनको रीना राय ही सबसे ज़्यादा पसंद आई. क्या बात है. तो रीना जी, क्या ये सच है कि आपकी और शत्रु जी की बनती नहीं थी, 36 का आंकड़ा था? अरे ये झूठ बोल रहा है, ये भी पसंद करता था. जया जी, आजकल के बॉयफ्रेंड्स रोना रोते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड्स कितनी डिमांडिंग हो गई हैं. आप तो डिमांडिंग गर्ल्स की महागुरु थी ऑन स्क्रीन. आपने अपने बॉयफ्रेंड से 1-2 लाख की नहीं, 1984 में फिल्म शराबी में 9 लखा हार की डिमांड की. 1990 में आज का अर्जुन में हरी हरी चूड़ियों की डिमांड की. इवन प्यार भी आप डिमांड कर रही थी, दे दे प्यार दे. यहाँ तक कि आपके सबसे बड़े हिट गाने तोहफा 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 में भी आप इसीलिए खुश थी क्योंकि बॉयफ्रेंड आपके लिए तोहफा लाया.
How demanding were you? I'm so lucky. उस ज़माने में जो जो हमने डिमांड किया वो सब हमको लाके दे दिए और खास तौर ये बताओ मैं तोहफा जो गाना जी उस समय पे हजार साड़ियाँ वो सेट पे लाते थे वाओ और तोहफा के नाम से वो साड़ियाँ वितरण करते थे यू नो उनके नाम ही तोहफा साड़ी अच्छा क्या बात और जया जी आपने इतने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है जी उनमें से सबसे डिमांडिंग कौन थे मैं ही हूँ और रीना जी आप मुझे तो फिलहाल आप ही लग रहे हो पहली दफा यू आर टू डिमांडिंग मुझे इस बात पे एक डिमांड मेरे मन में कुछ चाहत है अच्छा यहाँ पे भी डिमांड जी हाँ जी क्या बात है यार तो मैं चाहती हूँ कि आदित्य के जो जैकेट है वो बहुत मुझे अच्छा लगा बहुत कलरफुल है तो वो अगर मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा लगता है उतर चुका है मैम आपके बोलने के पहले जैकेट 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 लाया 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 तेरे 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 लिए 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 आप दे दिया श्रीमती यस लवली आप एकदम गुलाबो लग रही हैं मैम आप क्या बात है बहुत जच रहा है आपको आदि लुकिंग फिट ब्रो थैंक यू सर तुमसे बढ़कर दुनिया में तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई क्या खूब आंखें दूजा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई आज दिल की बात आ गई आज दिल की बात आ गई सहेंगे हम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे कंग्रेचुलेशंस आपके
वॉइस में जो वो रोमांटिक फील है, यू नो, एहसास कर सकते हैं कि आज के दौर में इस तरह का जो इजी गो में जो गाना गाने का तरीका है, एफर्टलेस आप गा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ऋषि, सबसे पहले तो मैं आपकी आवाज़ से इसलिए इम्प्रेस हूँ कि आप एक इतनी पवित्र स्थान से आते हैं। हाय हाय, क्या बात है, कि आप जो भी गाएंगे वो शहद ही निकलेगा। आपने दोनों गाने बहुत अच्छी तरह गाए। You are a very, very talented singer. Thank you so much, ma'am. Thank you. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम तो सैटरडे संडे ही इनको सुन सकते हैं, तो कैसे सुना जाए? तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोल लूँ उनके लिए। ओहो, क्या बात है, जरा फोन लाना। अरे क्या बात है ऋषि, रीना जी आपके लिए सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलना चाहती हैं ताकि वो कंटेंट के तौर पर रोज आपको देखें और सुने। क्या बात है, अच्छा लगा। करके क्लिक हो गया, हाँ ये हो गया, अभी एक फोटो ले लेते हैं। मैम थैंक यू सो मच, मेरी खुशकिस्मत ही होगी कि मैं आपको फॉलो करूं और आपके भी अपडेट्स मैं देखता रहूं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं मैम आपका। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक यू ऋषि, थैंक यू, बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। जजेस, ऋषि की परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए प्लीज। मौसम पूरी तरह बदल डाला।
ये आंखें बेखबर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं जाते हैं ये आंखें देख कर सारी दुनिया भूल जाती है ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाती है इन्हें पानी की धुन में हर तमन्ना भूल जाती है तुम अपनी महकी महकी के पीछे
जजेस एंड ऑडियंस, मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट था, न्यू डुएट जोड़ी इन टाउन। क्या बात है, मानना पड़ेगा। क्या बात है, दोनों आवाजें इतनी अच्छी लग रही थी साथ में, टू गुड, ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने आज तक ऋषि को हमेशा विदिप्ता के साथ ड्यूएट करते हुए देखा, लेकिन आज ऋषि तुमने ड्यूएट में जो अपना पार्टनर बदला है उसमें तुम्हारा रंग कमाल का निकल के आया। आई मीन व्हाट सिंगिंग। लेकिन ऑडियंस की थोड़ी सी डिमांड यह है कि तुम और विदिप्ता भी अगर जया प्रदा जी का वो गाना चांदनी रात, एम आई राइट, वो वाला गाना अगर तुम आज विदिप्ता के साथ गा दो, हो जा। खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। क्या जोड़ी है सिंगिंग के लिए, जोरदार तालियां हो जाए विदिप्ता और ऋषि के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।